अगर आपके मसूड़े को हेल्दी रखना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में 3 टिप्स देने वाली हूँ कि आप अपने मसूड़े को कैसे सही से रख सकते हैं। मसूड़े की जो प्रॉब्लम है वो बहुतों को है। ऑलमोस्ट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बोलूँ तो आपको कम से कम 60-70% लोगों में ये मसूड़े की प्रॉब्लम देखी जाती है, और जो डेंटल कैप लगाते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है मसूड़े का प्रॉब्लम, क्योंकि वो सिर्फ केवल कैप के ऊपर या फिर दांतों के ऊपर ध्यान देते हैं और जो दांत का जो फाउंडेशन है गम्स मसूड़ा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इस वीडियो से आप ये घर पे आराम से कर सकते हैं, ये घरेलू ही तरीका है, ये घर में आप आराम से कर सकते हैं और अपने मसूड़े को सही और स्वस्थ रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पावलकरन एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर सपोज आपका जो मसूड़ा है वो बहुत ज्यादा फ्रजाइल है, मतलब कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो आपको अगर सपोज वैसा प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली वहां पे खाना फंसेगा ही फंसेगा। तो आपको इस केस में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने मसूड़े पे काम करना है, आपके जो गम्स है उस पे काम करना है। आपको देखना है कि आप अपने गम्स मसूड़े को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपके मसूड़े सही से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो खाना है वो मसूड़े में फंसेगा नहीं, दांतों के बीच में फंसेगा नहीं, और आपका जो दांत है वो भी काफी सही से रहेगा, इतना जल्दी एज से पहले हिलेगा नहीं, और आपको अगर खाना फंसेगा नहीं तो कैविटी भी आपको लगेगी नहीं। तो देखते हैं कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो जो है, जिन्हें मसूड़े की प्रॉब्लम है और जिनका मसूड़ा हेल्दी है वो दोनों भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मसाज, जो मैं हर वक्त आपको मैंने बोला है, मेरे सारे जो गम्स से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने आपको सबसे पहले यही बोला है कि आपको मसाज सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जो मसूड़े का मसाज होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको नारियल तेल ले लीजिए, या नहीं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नहीं तो फिर नारियल तेल एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल एक ही है, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या नहीं तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। ये दोनों में से कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप तेल डालिए, थोड़ा सा आप सॉल्ट डालिए, और उस सॉल्ट को 1-2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लेना है, और आपको मतलब कि आप बहुत चुटकी जैसा आप उसमें सॉल्ट डालिए और उसको पूरा मिला करके आपके मसूड़े को मसाज करना है। मसूड़े को जब आप मसाज करते हैं तो आपको सर्कुलर मोशन में करना है, बाहर से करना है और अंदर से करना है, दोनों साइड से करना है। प्लस आप उसको धीरे धीरे नीचे की ओर पुल करिए। अगर आप ऊपर में करते हैं तो आपको उसको नीचे की ओर पुल करना है, अगर आप नीचे की ओर करते हैं तो उसको आपको ऊपर की ओर पुल करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका मसूड़ा है वो आपको सही से टाइट हो जाएगा, ग्रिप रहेगा और आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। ये कम से कम आपको दिन में 3 बार करना है। जब तक आप 3 बार नहीं करते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मसूड़े की, जब तक ये वो 3 बार नहीं करते हैं और कम से कम 20-25 डेज उनको ये कंटिन्यू करना है, तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए, ये इंस्टेंट नहीं रहता है, ये आप घर में कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो स्लो रहता है, पर आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से देता है। एंड जब भी आप ये मसाज कर रहे हैं तो कम से कम आराम से आपको 4-5 मिनट तक ये मसाज करना है, तो इससे आपका जो मसूड़ा है वो काफी हद तक सही हो जाता है। एंड आपको ये जब तक आप 30 दिन तक नहीं करते हैं, 25 डेज तक नहीं करते हैं, आपको इसका रिजल्ट नहीं मान पड़ेगा। जिनका मसूड़ा हेल्दी है, मतलब उतना खून नहीं आता है, या नहीं तो फिर खून नहीं आता है, खाना अगर फंस रहा है, तो उस केस में भी ये आप कर सकते हैं। वो लोग जो हैं वो कम से कम दिन में 2 बार या नहीं तो 1 बार पर कंटिन्यू उन्हें करना है एवरी डे, एंड 20-25 डेज के बाद रिजल्ट उन्हें खुद ही मालूम पड़ेगा। और जब आपका ये सही हो जाता है तो फिर आप उसको कंटिन्यू ये चीज
कर सकते हैं। जब तक आपके मुंह में दांत है तब तक आपको मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो गम्स है वो सही रहेंगे, जो सर्कुलेशन रहता है गम्स में, जो ब्लड सर्कुलेशन बनती है वो आपकी सही रहेगी, आपका जो अंदर के जो मसूड़ा, जो जैसे हम जबड़ा बोलते हैं, हड्डी जिसे बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो दांत है वो आपका जो फाउंडेशन है उसका हड्डी है और गम्स है, तो आपको गम्स और हड्डी के तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम दांतों का ख्याल रखते हैं, हम ये टूथपेस्ट वो टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं, हमें ऐसा रहता है कि दांतों को सफेद दिखाना है, ठीक है, ये सारी चीजें तो अलग चीजें हैं क्योंकि ये सारी चीज कॉस्मेटिक में आ जाती हैं, बट जो उसका बेसिक फाउंडेशन है वो आपको स्ट्रांग रखना है, दैट इज गम्स एंड बोन्स। आपको ये अगर सही से रखेंगे तो आपकी जो दांत है वो सही रहेगा। खाना कम फंसेगा, कैविटी कम लगेगी। खाना फंसता है तो रूट कैविटी ज्यादा लगने का चांसेस है। प्लस इसके साथ, मसाज के साथ, अब आते हैं हम सेकंड टिप पे, वो है कि आप जो गार्गल कर सकते हैं, मतलब कि हल्का पानी, हल्का गर्म पानी, डेट मीन्स कि ल्यूक वॉर्म वाटर। ल्यूक वॉर्म वाटर में आप थोड़ा सा नमक डाल करके 3 बार जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप गरारा करिए मसूड़े में, पूरा मुंह में आप उसको गरारा करिए। और अगर सपोज आप इसके साथ गरारा करने के बाद अगर आप ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं, मुंह में ऑयल डाल करके आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर डाल सकते हैं मुंह में, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आप मुंह में रखिए और आपको स्क्विश करना है पूरे मुंह में, चारों तरफ करना है, कम से कम 10 मिनट तक तो ये करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप 10 मिनट तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप 4-5 मिनट भी कर लिया बहुत है, पर आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 10 मिनट तक करिए। इससे आपका मुंह का एक्सरसाइज भी होगा एंड ऑयल पुलिंग से जितना भी डर्ट है, जितना भी गंदा है, कैलकुलस वगैरह जो थोड़ा रहता है वो भी निकल जाता है और बैक्टीरिया जो दांतों के ऊपर जो चिपकता है वो भी कम हो जाता है। थर्ड टिप है कि आप फ्लॉसिंग करिए। अगर आपके दांतों में खाना फंसता है तो आप फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करिए। फ्लॉस इजी होता है, आपको जस्ट फ्लॉस को आजकल तो एक स्टिक जैसा रहता है जिसमें एक फ्लॉस रहता है, जस्ट आपको डालना होता है, ट्विस्ट करना है, पुल करना है। अगर आप उससे कंफर्टेबल है आप वो यूज करिए, अगर आप फ्लॉस जो थ्रेड आती है अगर उससे आपको कंफर्टेबल है तो आप वो करिए। थ्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है, जो हम रेगुलर घर में जो हमारे पास जो थ्रेड होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको प्रॉपर फ्लॉसिंग जो आती है उसका ही इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए 3 टिप कि आप अपने मसूड़े को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। 3 टिप्स में ये है, फर्स्ट आपको मसाज करना है, सेकेंड आपको ऑयल पुलिंग के साथ आप गरारा भी कर सकते हैं ल्यूक वॉर्म वाटर से, एंड थर्ड आपको फ्लॉस करना है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फॉलो करना स्टार्ट करिए, और कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मेरा जो वीडियो है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि मसूड़े जो है कैसे स्वस्थ रखना है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे जो वीडियोज है वो आप तक पहुंच जाएंगे। Thank you for listening. Have a good day. Take care and bye.